साथियों, आपको रोज रोज बताती हूँ कि बाहर नहीं जाना चाहिए, कोरोना वायरस फैल रहा है और हम स्टेज 3 में आ चुके हैं। परंतु क्या आप लोग घर पे नहीं रह सकते? अभी जो लेटेस्ट न्यूज आई है वो एक सेलिब्रिटी के बारे में आई है कि किस प्रकार से कनिका कपूर गई, जो सिंगर हैं, वो किस तरह से दो दो पार्टियों में गई, एक 5-star होटल में गई, बॉम्बे से गई लखनऊ तक, तो कितने लोगों को संक्रमित किया, अब वो पॉजिटिव है। आप लोगों से घर में नहीं रहा जाता, आप लोगों को रोज़ प्यार से समझाती हूँ, आप लोगों को बार बार समझा रही हूँ कि ये बीमारी ऐसी है, इसकी कोई आयुर्वेद, कोई होम्योपैथिक दवाई नहीं है। और ये अब हम थर्ड स्टेज में पहुँच चुके हैं जहाँ हमारे समाज के लोगों के अंदर अगर ये फैलना शुरू हो गया तो इसको संभाल मुश्किल हो जाएगा। हमारी जो मेडिकल टीम है वो इतना काम कर रही है, और अगर आप हमारे प्रधानमंत्री ही की बात मानना चाहते हैं तो कम से कम उनकी बात को मानिए, सामाजिक दूरी बनाइए, अपने घर में बैठिए, घर में बच्चों के साथ खेलिए, घर में अपना काम करिए, किताबें पढ़िए, टीवी देखिए, इंटरनेट पे बैठिए, पर कम से कम बाहर तो मत जाइए। बाहर जाने की इस वक्त क्या आवश्यकता है? क्या ये समय इसलिए है कि आप छुट्टियां मनाएं? आपकी छुट्टियों को इसलिए दिया गया है ताकि आप अपने घर में रहें, अपने परिवार के साथ समय भी तो बिता सकते हैं, मगर नहीं, आप लोगों ने बाहर जाना। इस वक्त मैं देख रही हूँ कि हमारे देहरादून में लोग सैर पे निकल रहे हैं। सैर क्या करने की जरूरत है? एक तरफ जिम बंद करे जा रहे हैं और पढ़े लिखे, मैं तो टीचरों को कह रही हूँ, मैं तो टीचरों को देखती हूँ यहाँ सड़क पे सैर कर रहे हैं, सुबह शाम दोपहर कोई भी समय, अब उनको समय मिल गया तो सैर पे ही लग गए। अरे, आपको घर पे रहने को कहा जा रहा है। आप देखिए कि किस प्रकार से कनिका कपूर जिस पार्टी में गई, वहां पे वसुंधरा राजे सिंधिया, पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान, उनके बेटे सांसद दुष्यंत सिंह, वो भी वहां पहुंचे थे। जानते हैं सांसद दुष्यंत सिंह पार्लियामेंट में गए, पार्लियामेंट में कितने लोग हैं जो 60-65 साल से ऊपर के हैं, जिनको डायबिटीज़ है और ऐसी खतरनाक बीमारियां हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है मेडिकल टीम के द्वारा कि ऐसे लोगों को अगर ये संक्रमण हो गया तो इन्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये वहां पहुंच गए। आप पहली बात, पार्टी में क्यों गए? लोग कह रहे हैं कि जी ये गए क्योंकि इनको पता नहीं था। तो इनको ये तो पता था कि सोशल डिस्टेंसिंग भी कोई चीज़ होती है, सामाजिक दूरी बनाना भी कोई चीज़ होती है। आपको नेता चुनते हैं लोग और आपको इतना नहीं पता कि क्या सही और क्या गलत है। अगर आप एग्जाम्पल ऐसा सेट कर रहे हैं, इतने सारे लोगों को दुविधा में डाल रहे हैं, रिस्क में डाल रहे हैं, उनकी मौतों के जिम्मेदार आप होंगे। अपने घर में बैठिए, इस चीज़ को लाइटली मत लीजिए, इस चीज़ को समझिए कि ये इतनी बड़ी बीमारी है कि इसको हम कैजुअली नहीं ले सकते। हम पैनिक ना करें, मगर अपने घर में तो बैठ सकते हैं। सामान आपको खरीदना है अपने घर में, 8-10 दिन के लिए सामान खरीद लीजिए, 15 दिन के लिए खरीद लीजिए, होर्ड मत करिए, मगर कम से कम थोड़ी जिम्मेदारी से तो बिहेव कर सकते हैं। आपको कोई नहीं कह रहा कि आप पैनिक करिए, आप समझदारी दिखाइए। समझदारी, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी सामाजिक जिम्मेदारी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करें, आप सामाजिक दूरी बनाएं, हम पूरी दुनिया में लोगों के साथ सॉलिडैरिटी के साथ खड़े हो, एकजुटता दिखाएं। इसका मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल डिस्टेंसिंग, एकजुटता यानी कि सॉलिडैरिटी, इन 3 एसेस को याद रखिए। सॉलिडैरिटी हमें दिखानी होगी तभी हम इस बीमारी को मात दे सकते हैं। आप सभी से निवेदन है, कृपा करके इस तरह से इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर मत दिखाइए। घर पर रहिए, अपने घर में अपने बच्चों के साथ समय बिताइए, बड़ों के साथ समय बिताइए, किताब पढ़िए, अगर अकेले हैं तो घर में जो कर सकते हैं वो करिए। कृपा करके घर में, घर के अंदर ताली बजा लीजिए, थाली बजा लीजिए, मगर कृपा करके बाहर मत जाइए और लोगों को रिस्क पे मत डालिए। दुनिया में इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए जो मेडिकल टीम्स लगी हुई हैं उनकी कुछ तो इज्जत करिए। देख रहे हैं आपके किस तरह से फैल रहा, अभी तक भारत बचा हुआ है मगर थर्ड स्टेज में अब बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए आप लोगों से निवेदन कर रही हूँ, कृपा करके जिम्मेदार नागरिक बनिए, जिम्मेदार शहरी बनिए, जिम्मेदार देश का नागरिक बनिए, जिम्मेदार इंसान बनिए दुनिया का, ताकि हम दुनिया को बचा सके। बार बार हाथों को धोते रहिए, घर में धोइए ना 5-6 बार, उसी में आपका कुछ समय निकल जाएगा। हाथ अच्छी तरह से धोइए, ज़रा सा भी लगता है कि किसी ने खांस दिया या किसी ने ज़ुकाम का छींक मार दी और तो आप पहली बात तो 1 मीटर की दूरी पे रखिए, मगर फिर भी अगर लगता है कि कोई छींटा आप पर आया है तो आपको ज़रूरत है कि इमीडिएटली हाथ धोइए। अगर आपको छींक आ रही है तो आप एल्बो स्नीजिंग करिए, इस तरह से स्नीज करिए, छींकिए या खांसीए, मगर दूसरों के ऊपर छींटे मत डालिए। बहुत ज़रूरी है कि आप समझें कि
आपको अगर लग रहा है कि कुछ सिम्टम्स है क्योंकि अब मौसम बदल रहा है, तो एकदम डॉक्टर के पास दौड़ने के बजाय आप अपने घर में सेल्फ आइसोलेट करिए, यानी कि फिर एक और एस, अपने आप को घर के एक हिस्से में रखिए, सेल्फ क्वारंटीन कर लीजिए, अपने आप को अलग हिस्से में रखिए, जहाँ पे आप अपने घर के बड़े बूढ़ों से, बच्चों से, बीमार लोगों से या बाकी लोगों से भी ज़्यादा उनके कांटेक्ट में ना आए, बिल्कुल कांटेक्ट में ना आए। उनको कहिए कि आपके कमरे के बाहर सामान रख दें, आप उसको लेके पी लीजिए, बाथरूम में जाके धो के उसे रखिए, जो उसे उठा रहा है वो ग्लव्स से उठा सकता है। सैनिटेशन का ध्यान रखिए, सफाई का ध्यान रखिए, और ये भी ध्यान रखिए कि आप हैंड सैनिटाइज़र के बजाय साबुन भी इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर होगा। कृपा करके जिम्मेदार नागरिक बनिए। मैंने आपको शब्द बताए, सॉलिडारिटी, दुनिया के साथ एकजुटता दिखाने की आवश्यकता है, आवश्यकता है कि हम किस प्रकार से लोगों को एक अच्छे नागरिक बनके दिखाएं। पेट से मुझे ये भी याद आया कि ये पेट से आपको नहीं होता, ये मीट मछली जो पका के खा रहे हैं उससे भी नहीं होता है। तो जिम्मेदार नागरिक बनिए, एस से सॉलिडारिटी दुनिया के साथ, सेल्फ आइसोलेशन, सेल्फ क्वारंटीन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिए ताकि हम लोग सब इस बीमारी को, बीमारी से लड़ सके, इस बीमारी को हरा सके।